बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर, इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। कल हमने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लेक्चर का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि प्रेपोजिशन होती क्या है, आइए इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नाउन, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन्स टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। यानी रुपए जार वो अल्फाज होते हैं जो किसी किस्म या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, जगह को जाहिर करने के लिए, टाइम को जाहिर करने के लिए, या किसी सिंस को जाहिर करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद लाइकिंग फॉर। लाइकिंग फॉर पसंदीदगी, पसंदीदगी पसंद करना। शी हैज ए स्पेशल लाइकिंग फॉर दिस डिश। शी हैज ए स्पेशल लाइकिंग फॉर दिस डिश। यहां पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की लाइकिंग के साथ, वो फॉर है, जिसे हमने रेड चार्ट के जरिए प्रोमिनेंट किया है। लाइकिंग फॉर, लाइकिंग फॉर। लिसन टू, लिसन टू सुनना, गौर से सुनना, किसी बात को गौर से सुनना। Please listen to me. Please listen to me. यहां पर listen के साथ जो word हमने to use किया, इसे हम preposition का नाम देंगे, preposition कहेंगे। Next है बेटा loyal to, loyal to वफादार होना। He is loyal to the country. He is Loyal to the country, वो मुल्क का वफादार है, वो मुल्क का वफादार है। इस सेंटेंस में आपने देखे लॉयल के साथ जो टू इस्तेमाल किया है, ये प्रेपोजिशन कहलाएगी। 79 पे बेटा made of होता है बनना या बनी हुई। This year is made of wood. This year is made of wood. ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। Next sentence में आए बेटा 80 पे marry to शादी करना, marry to शादी करना। She was married to her cousin. She was married to her cousin. उसने अपनी चचाजात से शादी की, उसने अपनी चचाजात से शादी की। यहां पर मैरी के साथ जो टू वर्ड यूज किया है ना, ये प्रेपोजिशन कहलाएगा, ये प्रेपोजिशन कहलाएगा। अजीज तलबा याद रखे, इन्हीं अल्फाज के साथ अगर इस प्रेपोजिशन को तब्दील कर दिया जाए तो इसका मतलब यानी इसका मीनिंग भी अक्सर तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट देखें negligent in गाफिल, लापरवाह, गाफिल, लापरवाह। ही इज negligent in his work. ही इज negligent इन हिज वर्क, वो अपने काम में गफलत बरतता है, वो या वो अपने काम से गाफिल है। यहां पर निग्लिजेंट के साथ जो हमने वर्ड यूज किया इन है, जो कि प्रेपोजिशन कहलाएगा। इसी के बाद देखिए 82 पर ऑब्जेक्ट टू एतराज होना, ऑब्जेक्ट टू एतराज होना। He did not object to my proposal. Proposal तजवीज को कहते हैं। He did not object to my proposal. उसे मेरी तजवीज पर एतराज ना था, उसे मेरी तजवीज पर, मेरे मशे पर एतराज ना था। 83 पर बेटा obliged to I am obliged to you for help. एहसानमंद होना, obliged to क्या होगा बेटा,
एहसान मंद होना। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए तुम्हारा एहसान मंद हूं, मैं मदद के लिए तुम्हारा एहसान मंद हूं। 84 पर है बेटा अपॉर्चुनिटी फॉर किसी चीज के लिए मौका प्राप्त करना या मौका हासिल करना। अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, उसके लिए ये अच्छा मौका है। बेटा इसके जो अपॉर्चुनिटी के साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया ये प्रपोजिशन कहलाएगी। आपकी आसानी के लिए हमने प्रपोजिशन को रेड चाक से लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट देखिए 85 पर अपोज्ड टू मुखालफत करना, किसी की मुखालफत करना या किसी से किसी का मुखालिफ होना। दे आर अपोज्ड टू ईच अदर, दे आर अपोज्ड टू ईच अदर। यहां पर देखें टू जो है जिसे मैंने रेड लाइन से रेड चाक से अंडरलाइन किया ये प्रपोजिशन है जो कि अपोज के साथ इस्तेमाल की गई है। दे आर अपोज्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जी तो अजीज तलबा ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपने इसे बड़े बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश की होगी। तो अगर इस लेक्चर की कोई बात आपको समझ ना आई हो या कोई मुश्किल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर फोन करके या वॉइस मैसेज के जरिए आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे अपना मामन पाएंगे। वस्सलाम।